नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, बड़ी खबर यहां पर अखिलेश यादव से आ रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ देखिए बयान दे दिया है। देखिए, आज हम डिबेट पे इसलिए आए हैं क्योंकि कांग्रेस वर्सेस अखिलेश यादव, यानी कि कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी नहीं होता था। यूपी चुनाव में भी कांग्रेस, देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ डिंपल यादव भी दिखी हैं, दो तीन बार दिखी हैं, और इतनी ज्यादा तल्खी, इतना ज्यादा नफरत आज से पहले देखिए कांग्रेस में नहीं थी। मुलायम सिंह यादव जीवित थे तब भी नहीं थी, अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री तब भी नहीं थी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अखिलेश यादव का आज बयान जो आया है उससे सनसनी मच गई है। कांग्रेस में भी देखिए काफी सनसनी मच गई है। राहुल गांधी भी इस बात को लेकर काफी चिंतित हो रहे होंगे अब तक तो, कि अखिलेश यादव जैसा दोस्त अब मेरे साथ क्यों नहीं है। अखिलेश यादव का क्या बयान आया है? अखिलेश यादव का बयान आया है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक जैसी है, यानी कि कांग्रेस का कंपैरिजन भाजपा से कर दिया है अखिलेश यादव ने। ये बात जो है वो देखिए, राजनीति के कितने ही विद्वान पंडित हैं उनको बिल्कुल भी नहीं जम रही है, क्योंकि दो चार दिन पहले तक राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे, कल शाम को जब झांसी में गए थे अखिलेश यादव तब भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया था। राम गोपाल यादव देखे तीन चार दिन से भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। और अब क्या हुआ, जब पत्रकारों ने देखे अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि आपको निमंत्रण मिला है या नहीं भारत जोड़ो यात्रा का, तो साफ मना कर दिया कि भैया मेरे पास तो आया नहीं है, अगर आपकी जेब में हो तो बता दीजिए, दे दीजिए मुझे, मैं चला जाऊंगा। तो ऐसा नहीं हुआ। और कांग्रेस ने देखे कोई भी निमंत्रण नहीं दिया, जितने भी कयास और अटकले लग रहे थे वह सिर्फ कयास और अटकले ही थे, कोई सच्चाई नहीं थी उनमें कि राहुल गांधी ने देखे उनको इन्विटेशन भेजा भारत जोड़ो यात्रा का। अब इस पर देखे काफी सियासत हो चुकी है शुरू, तो इसलिए यहाँ पर हम देखिए डिबेट करने आए आपके साथ। हमारे साथ डिबेट में मौजूद है शाजेब खान। शाजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिबेट में। धन्यवाद। देखिए, शाजेब को काफी नॉलेज है यूपी की राजनीति भी काफी कवर करते हैं हमारे साथ, देखिए मेरे साथ ही काफी बार लाइव करते हैं वो यूपी पर भी। तो शाजेब, एकदम से यहाँ पर जो हुआ है कि समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि हम तो बार बार जब खबर करते थे तब यही बोलते थे ना कि विपक्ष एक साथ होगा, अगर 2024 की बात करें तो यूपी में कांग्रेस और अखिलेश यादव तो कहीं नहीं जा रहे, यानी कि एक दोनों साथ होंगे वो तो 2024 के लिए। 80 में से कम देखिए कांग्रेस 10 से 12 सीट लाएगी और अखिलेश यादव कम से कम 50 से 60 सीट लाएंगे। हम तो बार बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक ही करके दिखाते थे ना, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग हो गई है। बिल्कुल, देखिए पीयूष, समाजवाद जो है वो एक सोच है, एक सोच जो भगत सिंह के वक्त से चली आ रही है, वो समाजवाद जिसमें सब धर्म और समुदाय को लेकर के चलने वाली बात थी, और उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी बनी। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो मुलायम सिंह यादव, आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे कि उन्होंने जो है देश में माहौल को सही रखने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी ताकि देश का सौहार्द जो है वो ना बिगड़े। सब समुदाय का उन्होंने बराबर ख्याल रखा था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, तो वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस की दोहरी राजनीति से तमाम लोग वाकिफ है। देखिए, कांग्रेस एक वक्त था राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जब राम मंदिर का मुद्दा बेहद ज्यादा गरमाया हुआ था, तो ये वही राजीव गांधी हैं जो सेकुलरिज्म, मुसलमानों की बात करने वाले राजीव गांधी कह रहे थे अयोध्या में प्रचार प्रसार करते वक्त कि हम राम राज्य लेकर के आएंगे। हालांकि बात कुछ और थी, पंचायती राज पर उन्हें जो है अपना प्रचार करना था अयोध्या में, लेकिन उन्होंने एम वक्त पर अपना भाषण बदल दिया था और वो मंच पर से कहने लगे कि हम कौन सा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मैं जो है यहाँ पर लाऊंगा राम राज्य लेकर के आऊंगा। तो कांग्रेस जो है दोहरी राजनीति करती है, वो दो नाव पर सवार होकर के चलने का प्रयास करती है जो मुमकिन नहीं है। पीयूष, राजीव गांधी देखिए उस समय सिचुएशन के हिसाब से हिंदू बन गए, मतलब जरूरत पड़ी तो हिंदू बन गए और अपने हिंदू होने पे गर्व करने लगे। कांग्रेस भी आज देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कहीं ना कहीं अपना रही है। तमाम सेकुलर पार्टियां जो है देश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, इनके सामने कांग्रेस का वर्चस्व कहीं ना कहीं
कहीं भले ही कांग्रेस के पुरानी पार्टी है तो उनके हर क्षेत्र में कार्यकर्ता है, लेकिन वो सेकुलरिज्म वाला जो कांग्रेस का वर्चस्व था, ऐसा वर्चस्व था कि सोनिया गांधी के लिए लोग आत्महत्या करने को तैयार हो गए थे कि अगर वो प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगी तो खुद को गोली मार लूंगा। इस तरीके का जिस कांग्रेस का वर्चस्व था, आज वो कांग्रेस किस जगह पर जा रही है। और कार्यकारिणी पर मुझे लगता है कि कैसी कार्यकारिणी तैयार की है राहुल गांधी ने, कि विपक्ष के तमाम नेताओं को जो है यहाँ पर एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव, आप देखिए कि जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं पीयूष, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो, आप देखिए कि नीतीश कुमार जैसे नेता जो अभी सिर्फ राज्य की राजनीति में ही सीमित है, यानी विधानसभा की राजनीति में सीमित है, लेकिन उनके कहने पर देखिए कि पीएम केसीआर पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद आप देखिए कि अशोक गहलोत पहुंच जाते हैं, भूपेश बघेल पहुंच जाते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्कू पहुंच जाते हैं, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि राहुल गांधी अभी अगर राहुल गांधी अगर देखें तो यूपीए का बड़ा चेहरा भी राहुल गांधी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो तमाम नेताओं को बुलाएंगे विपक्ष के तो उनके साथ आने से इनकार कर देंगे। तो ये छवि कांग्रेस की क्यों बन गई है, ये छवि कांग्रेस ने अपनी देश में इस तरीके की क्यों बना ली है? कांग्रेस को इसको समझना होगा कि आज अगर आप हैं सबसे बड़ी पार्टी तो आपको अपने से छोटे पार्टियों को भी बराबर इज्जत देनी होगी। कांग्रेस की नीति गलत नहीं रही, देश के लिए बहुत अच्छी चीजें कांग्रेस ने की है, लेकिन कुछ जगह पर कार्यकारिणी की चूक के वजह से कांग्रेस को नुकसान। अब देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तो सुफड़ा साफ ही हो गया विधानसभा में, लोकसभा में भी कांग्रेस नहीं है, तो अब अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भाजपा को पछाड़ना अगर आपकी नीति है, नफरती पार्टी को हटाना, तो नफरती पार्टी को हटाने के लिए आपको मुख्य रूप से अखिलेश यादव, आपने कोई विज्ञप्ति नहीं जारी किया, आपने अपने बयान में नहीं कहा कि अखिलेश यादव शामिल हो जाए, हो सकता है ये कारण हो कि सिर्फ निमंत्रण भेजने से नहीं, बड़ा नेता राहुल गांधी अगर बोलेंगे कि आप शामिल हो जाए तो अखिलेश यादव को शामिल होना पड़ेगा, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी बन जाएगी, लेकिन वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं मिला है, मैं शामिल नहीं हूंगा, तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। नहीं बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपने काफी अच्छे से समझाया, लेकिन शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और वर्सेस अखिलेश यादव का रीजन क्या है होने का, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी में जब हम लाइव करते, देखिए हमारे चैनल पे जब लाइव होता है, हम आपके सामने सभी दर्शकों के सामने लाइव आते हैं, तो जितने भी समाजवादी पार्टी के दर्शक हैं, समर्थक हैं, वो कांग्रेस के समर्थकों से देखिए तालमेल रखते थे, यानी कि उनकी बातों पर सहमति जताते थे, अगर अखिलेश यादव के लिए कुछ बोल रहे कांग्रेस समर्थक या फिर समाजवादी पार्टी के समर्थक जो है उन पर देखिए सहमति जताते थे, तो एकदम से क्या हो गया कि कांग्रेस जो है वो अब समाजवादी पार्टी की दुश्मन बन चुकी है? देखिए मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी की कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए दुश्मन नहीं बनी है, सबसे बड़ी बात है ये कि यहाँ पर अभी नीतियों की लड़ाई है कि विपक्ष का यूपीए का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर के लड़ाई है कि प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए विपक्ष से, लेकिन यूपीए का नेतृत्व कौन करेगा। जैसे आप शुरुआती दौर से देखेंगे सोनिया गांधी ने यूपीए का नेतृत्व किया, प्रधानमंत्री बनाने की उनको मांग थी कि उन्हें बनाया जाए, लेकिन कुछ विरोधों के कारण, अंतर्कलह के कारण, पवार जैसे नेताओं के विरोध के वजह से वो नहीं बन सकी प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यूपीए का नेतृत्व किया और रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कही जाती थी मनमोहन सिंह के सरकार को, तो ये सारी चीजें, तो राहुल गांधी नेतृत्व तब तक उनके हाथ में नहीं मिलेगा और उनके नेतृत्व को तब तक नेता कबूल नहीं करेंगे जब तक उनकी पार्टी समांतर इज्जत देना नहीं सीख जाएगी। और पार्टी नहीं बिल्कुल, देखिए काफी अच्छे से समझाया साजिब आपने हमारी जनता को, अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव वर्सेस राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो चुका है, इसको खत्म कैसे करेगी कांग्रेस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।